ইপিনে ৰাজস্থানৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ অভিযানত গান্ধী পৰিয়ালক ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সভাপতি দলিত নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পোষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। मैं रोड शो कर रहा था तो वहां बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के, यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार। इपिने राजस्थान निर्वाचन सभा अंशग्रहण कर अमित शाह कय राजस्थान विभिन्न परीक्षा केवल पेपर लीकर घटना हुई, परीक्षार प्रश्न कागज फादिल विषय इश्यू हिसाब लैसे अमित शाह। पूरा सूची लेकर आया हूं, मैं पढ़ता हूं, आप सहमत हो तो पेपर लीक बोलकर रिस्पॉन्स करना, करोगे क्या? मैं बताता हूं, देखिए, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 का पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर का पेपर। अब गहलोत साहब, आप ये पेपर लीक करते रहे, अब मैं राजस्थान में, ये मेरी 21वीं सभा है भाई, मैं गहलोत जी को बताना आया हूं, राजस्थान की जनता ने आपका पेपर लीक कर दिया है। 3 दिसंबर को अभी से तय हो गया है, 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। अमित शाह आन एखन निर्वाचनी सभात अंशग्रहण करी कांग्रेस और गांधी परियालक राहु और केतुर सहित तुलना करे। और बहनों, एक बात मेरी याद रखना, दिल से लगा कर रखना, एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए एक गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। जब से आपने 26-25 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम मोदी जी। जी ट्वेंटी कर भारत की कूटनीति का परचम आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने।